बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनने जा रहा है जी केक, बनने जा रहा है वेरी प्लेन, बहुत ही प्लेन सादा सा केक बनने जा रहा है। 3 मिल्क यूज़ होंगे। ट्रेसलिशिस केक बनने जा रहा है जी। तो इसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं, एक प्लेन केक लिया है जी, ऑयल लिया है, एक कप वाटर, 3 अंडे चाहिए और 3 किस्म का मिल्क चाहिए, वनीला स्टिक चाहिए और व्हिपिंग क्रीम चाहिए। तो मैं इन सबको पहले मिक्स करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले एक कप पानी डालती हूँ जी। और इसमें मैं 1/3 कप ऑयल डालती हूँ। पहले मैं 3 अंडे डाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैं वनीला एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। बहुत ही सिंपल बनता है, बहुत ही आसान बनता है ये केक और टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी। मैं ओवन को स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब स्टार्ट नहीं किया उसको, है प्रीहीट कर लेती हूँ। सारी डायरेक्शंस के ऊपर लिखी हुई है। थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव से लेकर आपने इसको 20 मिनट तक पकाना है इसको जी। ओवन मेरा रेडी हो गया जी, गर्म हो चुका है। ये तो मुझे टेम्परेचर चाहिए और मैं इसको, ये बहुत ही सिंपल बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसको मैं 350 पर रख के मैं 20 मिनट के लिए वेट करती हूँ इसका जी। हम नेक्स्ट काम शुरू करते हैं जी। ओके, एक कप हैवी व्हिपिंग क्रीम हमने कंडेंस मिल्क डालते हैं जी। ये जो केक है ये सिर्फ मिल्क से बनता है, इसके लिए 3 काइंड ऑफ मिल्क यूज़ हो रहा है और साथ ही इसके हैवी हम यूज़ करते हैं जी व्हिपिंग व्हिपर टॉपिंग।
ये जी रेडी हो चुका है। अब वेट करूंगी केक का। केक बनने के बाद इसको केक के ऊपर डालना है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप। अभी चीज़ें मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जी केक हमारा रेडी हो चुका है, इसका टाइम हो चुका है पूरे 20 मिनट। तो सही भी लग रही है, मैं टूथपिक से देख लेती हूँ, बिल्कुल सही है जी। अब ये ठंडा होगा तो मैं इसको ट्रांसफ़र यहाँ पे करूँगी, तो फिर बाकी लिक्विड इसके ऊपर इस्तेमाल यूज़ होगा। जी केक रेडी हो चुका है ये वाला, अब इसको मैं ट्रांसफ़र मैं इसमें करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको, केक हमारा रेडी हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर लूँ इसमें ताकि मिल्क इसमें जा सके। ओके फर्स्ट आई पुट द मिल्क, आई पुट एक्स्ट्रा मिल्क। ये है केक रेडी जी। अब मैं इसको स्ट्रॉबेरी लगाऊंगी, लेकिन मैं अभी इसको ठंडा होने देती हूँ। ये सारा मिल्क अंदर जाएगा, देन मैं उसमें और मिल्क डालना है जी। जी मेरा केक तैयार हो गया है, स्ट्रॉबेरी डिलीशियस केक।